हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। खरकुदा IMT में किसी भी तरह के प्लाट खरीदने के लिए प्रधान ग्रुप से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9355500009, 9643971000, 7650027000। NGT के आदेशों का नहीं हो रहा पालन, SDM को दी शिकायत। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारी डॉक्टर शमशेर राणा ने खरकुदा SDM कार्यालय में एक शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि NCR में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और NGT ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है कि तत्काल प्रभाव से किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन कार्य व माइनिंग नहीं होने दी जाए, उन्हें जल्द रोक दिया जाए। लेकिन खरकुदा के सैदपुर IMT जोन में लगातार इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, जिससे NGT के आदेशों की धज्जियां उड़ रही है और स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। अकेले खरकुदा शहर में 30 से 40 जगह पर निर्माण कार्य चले हुए हैं। इसी तरह से ईट भट्टे और सैदपुर जोन में औद्योगिक इकाइयां भी लगातार वर्किंग है। खरकुदा IMT में भी विभिन्न कंपनियों द्वारा निर्माण का कार्य चला हुआ है। अगर तत्काल प्रभाव से इन पर कार्रवाई नहीं की गई तो वे जल्द ही इस मामले की शिकायत हरियाणा के मुख्य सचिव व SGT से भी करेंगे। खरकुदा व शैदपुर के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि पहले तो शाम को ही आंखों में जलन होती थी, लेकिन अब दिन भर आंखों में जलन रहती है क्योंकि पोल्यूशन अधिक हो गया है और फैक्ट्री में उद्योग मालिक NGT के आदेशों की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा से डॉक्टर शमशेर सिंह जी, मैंने ये मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को SDM खरकुदा और DC के मार्फत और उनको मेल भी किया है, और जो NGT के जो ऑनरेबल बेंच हैं उन्होंने एक मेल ID पे भी हमने इन्फॉर्म किया है। NGT के क्लियर इम्पेरेटिव डायरेक्शन हैं, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उन्होंने सबसे पहले 124 शहर उठाए हैं जहाँ के क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब था, तो उन्होंने ये डाटा उठाया है यानी कि 10 अक्टूबर से और 1 नवम्बर तक का, तो उसमें पूरी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई भी जहाँ धूल मिट्टी का काम होता है या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी या जो ईंट भट्ठे चलते हैं या ऑरेंज रेड जो इंडस्ट्रीज गांव की तरफ लगी हुई हैं, आपको पता फिरोजपुर सोटी सैदपुर जटोला या इंडस्ट्रीज की भरमार है, और पॉल्यूशन के जो अधिकारी हैं कंसर्न जिनको इन्फोर्समेंट इस पर एक्शन लेना है वो उनके साथ मिले हुए हैं, और यहाँ पे धड़ल्ले से IMT का भी काम चला हुआ है। इवन SDM जहाँ ऑफिस है उसके पीछे यहाँ कोर्ट कैंपस में कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन गोइंग है, तो हमने इनको ये मेल किया है कि इनमें डैमेज बनता है 1 करोड़ से ऊपर का, यदि SDM साहब इसमें संज्ञान लेके और इस सब डिवीज़न पे तुरंत इंफॉर्मेशन लेके इसकी कॉग्निजेंस लेके यदि प्रिवेंटिव स्टेप नहीं लेती तो SDM इटसेल्फ इन द पार्टी, तो इसमें कॉम्प्लाइंस जाएगा। तो हमारी मांग है कि स्वास्थ्य से और जनजीवन से पब्लिक इंटरेस्ट से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता, तो जिस तरह ये पूरी दिल्ली NCR में अभियान चल रहा है तो सोनीपत से छूटा नहीं है, तो कहाँ सो गए यहाँ की पुलिस, कहाँ सो गया यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, यदि इस पर तुरंत प्रभाव से इन्होंने कोई रोक नहीं लगाई तो हम चीफ सेक्रेटरी से कंसेंट SDM का बिल्कुल इनके खिलाफ ओमिशन जो कंडक्ट है मिसकंडक्ट है उसकी हम शिकायत करेंगे और उस पर डैमेज फाइल करेंगे, तो तुरंत प्रशासन संज्ञान में आए और ये जो सराउंडिंग एक्टिविटी है जो मैंने गांव बताए हैं खरकुदा के, ये तुरंत वहाँ पे जो प्रदूषण फैला रही हैं जिनसे धूल कण उठते हैं उनको तुरंत प्रभाव से अगले आदेश तक इनको रोक लगाई जाए। साइंस क्विज में प्रताप स्कूल रहा प्रथम। साइंस कनलेव कंपटीशन 2023 जो कि भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय खानपुर गोहाना में आयोजित हुआ, जिसमें प्रताप स्कूल खरकुदा की सेजल उर्वशी रिंकी ने साइंस क्विज में प्रथम, प्रियंका ने पोस्टर मेकिंग में प्रथम स्थान, साइंस एग्जीबिशन में चेष्टा व पलक ने द्वितीय स्थान, निबंध प्रतियोगिता में रितिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कुलपति प्रोफेसर सुदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 3100 रुपये, द्वितीय को 2100 रुपये व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 1100 रुपये नकद व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। विजेता विद्यार्थियों का विद्यालय प्रांगण में द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया निदेशक प्रताप स्कूल, प्राचार्य दया दहिया व एकेडमिक डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध दहिया, ATL इंचार्ज मंजीत व साइंस अध्यापिका सुशीला ने स्वागत किया। टुडे आई पलक एंड शी चेष्टा एंड वी बोथ फ्रॉम प्रताप सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वी बोथ वेंट टू BPS यूनिवर्सिटी इन खानपुर दैट वॉज
on 6th and 7th November and we got second position in science exhibition. There were 900 participants in this exhibition and we got second position and that was so much proud feeling for both of us and we and I want to tell you that in our school there is ATL lab and Mr. Manjeet sir is the in charge of this and who always tried to innovate us and take our ideas and always try to make our society problem free. So thank to our teacher, faculty and all. Thank you. देखिए आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है. Department of Higher Education द्वारा BPS University में एक साइंस कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें हमारे स्कूल से इन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और बहुत ही खुशी की बात है कि साइंस क्विज और पोस्टर मेकिंग में फर्स्ट पोजीशन, साइंस एग्जीबिशन में सेकंड पोजीशन और एसे राइटिंग कंपटीशन में इन छात्राओं ने थर्ड पोजीशन प्राप्त की. आप जैसा देख पा रहे हैं ये हमारी अटल टिंकरिंग लैब है जिसके इंचार्ज श्री मंजीत जी हैं जो नित नए इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते रहते हैं. इससे पहले सिनर्जी इवेंट में भी हमारे को पोजीशन प्राप्त हुई, प्रीवियस ईयर भी इसमें बहुत अच्छा हमारा कंट्रीब्यूशन रहा और ये स्टूडेंट्स ना सिर्फ स्पोर्ट्स में एकेडमिक्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. और जैसा कि इन छात्राओं ने बताया प्रताप विद्यालय में हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हर एक करिकुलम एक्टिविटी करवाई जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा ये बच्चे आगे बढ़ें, अपनी स्किल एजुकेशन पे ध्यान दें, इस तरफ पूरा ध्यान दिया जाता है. और ये इवेंट जो कि स्पेशली गर्ल्स के लिए ऑर्गेनाइज हुआ था ताकि गर्ल्स आगे आएं, आगे बढ़ें और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी और ऊंचा स्थान प्राप्त करें. धन्यवाद. राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार के लिए 25 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन. सोनीपत उपायुक्त डॉक्टर मनोज ने बताया कि हरियाणा महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राज्य स्तरीय महिला पुरस्कार 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां प्राप्त करने वाली इच्छुक महिलाएं 25 नवंबर तक महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय में आवेदन जमा करवा सकती हैं. संबंधित पुरस्कार के लिए योग्यता व अन्य जानकारी www.wedhry.gov.in से प्राप्त की जा सकती है. उन्होंने बताया कि यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 8 मार्च को प्रदान किया जाता है. उपायुक्त ने बताया कि इंदिरा गांधी महिला शक्ति पुरस्कार के लिए 150,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, बहन चन्नो देवी पंचायती राज्य पुरस्कार के लिए 1,00,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए 51,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, ANM नर्स महिला MPW के लिए 21,000 व प्रशस्ति पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए 21,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र, महिला उद्यमी के लिए 21,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. उम्र के हिसाब से जो सफ़ेद मोतिया होता है उसका इलाज होता है. हम आँखों में ऑपरेशन करते हैं, लेज़र मशीन से ऑपरेशन होता है, आँखों के अंदर से हम सफ़ेद मोतिया निकाल देते हैं और उसके बाद आँखों के अंदर हम एक लेंस बिठा देते हैं. उस लेंस से मरीज का ऑलमोस्ट दूर का विजन नॉर्मल हो जाता है, बट नज़दीक के लिए उनको चश्मा लगाना पड़ सकता है. नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप पारासर आप सभी लोगों को से अपील करता हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताए वह हुड्डा साहब का साथ दें. आने वाले टाइम में हुड्डा साहब को दोबारा से हमें CM बनाना है. हुड्डा साहब ही हैं जो अब की बार हरियाणा को बचा सकते हैं. हुड्डा साहब को लाओ, हरियाणा बचाओ. बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सकें.
लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।